ये मेरे पापा जी हैं जो कि मिक्सर मशीन में काम करने के लिए जा रहे थे, छत से जो मिक्सर मशीन गिर गया जो कि कमर टूट गया। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के डाड़ी गांव निवासी मोहन महतो पिछले 7 सालों से खाट पर पड़े पड़े अपनी मौत की राह देख रहा है। दुर्घटना का शिकार पीड़ित मोहन पैसे के अभाव में समुचित इलाज न होने के कारण खटिए पर सिमट कर रह गया है। उसकी जिंदगी नासूर हो गई है, वो अब तिल तिल कर मरने को विवश है। उसके दर्द को समझने के लिए अब किसी फरिश्ते का इंतजार है जो उसका इलाज करा सके। दिहाड़ी मजदूर मोहन का जीवन अभिशाप बनकर रह गया है। आलम यह है कि घर के बाहर पड़े खटिया पर वो न सिर्फ अपनी जिंदगी को कोस रहा है, बल्कि भगवान से भी दिन रात यही मिन्नत कर रहा है कि उसे इस कष्ट भरी जिंदगी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। ऐसे में टूटी कमर के दर्द ने उसे मौत से भी बुरी जिंदगी जीने को विवश कर रखा है। लेबर पुली ने काम करने जा रहे हैं, तब मशीन है से गिर गया था कमर में, कमर टूट गया है, पैसा के चलते से इलाज नहीं कर पाते हैं। तब कुछ सरकार से मांग रहे हैं कि कुछ मदद करिए, बेस हो जाएगा तो और अच्छा है इलाज करने के लिए। अब 2-3 वो लड़की है तो उसको शादी कैसे करे, खेत बाड़ी सब तो भी किया है। बता दें कि 45 वर्षीय मोहन महतो का कमर करीब 7 वर्ष पूर्व काम करने के दौरान गिरने से टूट गया था, जिसके बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे मोहन के बेटे ने स्थानीय स्तर पर उसका इलाज कराने का प्रयास भी किया, लेकिन कमर की स्थिति को देखते हुए स्थानीय डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर कर दिया। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे दिहाड़ी मजदूर मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले उसके बेटे ने उसे रांची ले जाने में असमर्थता जताई और उपचार कराने के बजाय उसे उसी हालत में घर ले गया, जिसके बाद से मोहन खटिया पर पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। पापा जी हैं जो कि मिक्सर मशीन में काम करने के लिए जा रहे थे, छत से जो मिक्सर मशीन गिर गया जो कि कमर टूट गया। कमर टूटने के कारण से ये चलने फिरने से असमर्थ है, तो ये हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि कुछ मदद हो जाए जो कि हम लोग इलाज करवा पाए। और एक भाई भी, जो 3 बहन है, 3 बहन को हम लोग को शादी भी करना है और जितना था जगह जमीन वो सब बिक गया है, तो हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो इलाज करवाने के लिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि कुछ मिल जाए जिसका जो कि इलाज करवा ले पूरा तरह से। जब मोहन के दर्द से सिमरिया विधायक किशुन दास को इन सारी वस्तु स्थितियों से अवगत कराया गया तो उन्होंने सरकारी खर्चे पर उसका इलाज कराने का आश्वासन जरूर दिया है। विधायक ने कहा है कि वे प्रयास कर रहे हैं कि मोहन का सरकारी खर्च पर समुचित इलाज हो। मामला पहली बार आपके द्वारा लाया गया है, हम माननीय अध्यक्ष जी को अभी निर्देश दिए हैं, कल जाके उनके घर में देख लेंगे उनकी क्या स्थिति है, क्या आवश्यकता है, अगर उनको और बेहतर इलाज कराने के लिए रांची ले जाना होगा तो हम रांची में इलाज करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मोहन की स्थिति ऐसी है कि उसे सरकारी अनाज तो मिलता है लेकिन उसकी इतनी मात्रा नहीं है कि वो महीने भर चल सके, उसे सरकार द्वारा कोई लाभ भी नहीं मिला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलस्यान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।